मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि यह पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। मारो यार, जोर जोर से मारो, अबे तालियां मारो भाई। जी, ये शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट है और शेख साहब मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हर जगह अपना मजहब लेके मत आ जाया किए। आप यहाँ पर भी इस्लाम इस्लाम शुरू कर दिया जबकि हमारी टीम में तो बहुत से नॉन मुस्लिम्स को भी होना चाहिए था और पहले हुआ भी करते थे। हमारे पास हिंदू प्लेयर्स भी थे, क्रिश्चियंस भी हैं। आप हर जगह इस्लाम के झंडे लेके पता नहीं क्यों आ जाते हैं और आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि क्रिकेट मैच के अंदर भी आप अपना इस्लाम लेके घुस गए और आप वहां पर भी जो है वो एक तरह का तासुब फैला रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि मजहब का फर्क बता रहे हैं और मजहब के जरिए लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज अपने ये क्रिकेट और अपने जो स्पोर्ट्स हैं उससे आप अपने ये जो आपका भाषण होता है ना, ये रिलीजन वाला, उसको अलग रखेंगे तो ही बेहतर होगा। यूरोपियन कंट्रीज से नाराजगी आपकी चल रही है और ऊपर से ये आ रहे हैं कि जी यहाँ से फ्रेंच एम्बेसडर को निकाला जाए। तो हो सके तो अगर बहुत इस्लाम का गोला आपके पेट में उठ रहा है तो फिर फ्रेंच एम्बेसडर के साथ साथ सर जरा ये चाइनीज एम्बेसडर की तशरीफ पे भी एक लात मार दें जिसने एप्पल वालों से कह के और कुरान की जो है ऐप है वो निकलवा दिए चाइना से। साथ साथ सऊदी एम्बेसडर की तशरीफ पे भी एक लात मार दें क्योंकि सऊदी एम्बेसडर इस वजह से क्योंकि उनका जो क्राउन प्रिंस है वो तो हदीसें ही नहीं मानता और आप उन्हें तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ यहाँ क्रिकेट में आप जो हैं अपना पिंडोरा खोल के बैठ गए हैं और बताना शुरू कर दिया आपने कि जी आलम इस्लाम में आपने कौन से झंडे गाड़े हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो आप लोगों का तो वही हाल है कि खर्चा रुपया है और आमदनी तो अठन्नी भी नहीं है, ये भी एक मुहावरा है लेकिन अठन्नी भी आपके पास इस वक्त नहीं है शेख साहब। लागली। हे हे, मुंडा ये नारा समा।